हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर रिवीजन असाइनमेंट 7। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई यूजिंग लेटेस्ट मेथड। आपको लेटेस्ट मेथड से इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके 3 डिजिट्स इसमें हैं और 3 डिजिट ही सेकंड नंबर में भी हैं। तो आप 3 कॉलम बनाएंगे और 3 ही रोज बनाएंगे, ठीक है। 3 कॉलम्स के ऊपर आप लिखेंगे 325 और नेक्स्ट में लिखेंगे आप 146। अब आप इस तरीके से लाइन बना लेंगे। आपकी कॉपी में बॉक्सेस बने हुए ना, उनको बॉक्सों के ऊपर ही ये लाइन बना लीजिएगा। 3 बॉक्स पे 3 बॉक्स, 3 बॉक्स, इस तरीके से भी 3 और ऐसे भी 3, क्योंकि दोनों में 3 डिजिट्स हैं। और फिर उन्हीं बॉक्सेस से आपको फिर इजी हो जाएगा इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना भी, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, हर बॉक्स में आपके 2 बॉक्स में पार्ट हो गया है, हर बॉक्स के 2 पार्ट हो गए हैं। तो 2 पार्ट में आप मल्टीप्लाई करके जस्ट जो डिजिट आएगी वो लिखेंगे। 5 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 तो 5, 2 डिजिट कैसे करनी है हमें, 0 और 5 लिखना है फिर, ठीक है। अब 1 × 2 तो 0 2 लिखेंगे, खाली 2 नहीं लिखना। 1 × 3 तो 0 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। इस रो के सामने क्या है, 4, और इस कॉलम में क्या है, 5, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5 = 20, एक बॉक्स में 2 और एक में 0, 20 हो गया, ठीक है। अब 4 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 इससे को लेंगे, 4 × 8 तो 0 8, ठीक है। अब 4 × 3 = 12, 1 इधर 2 इधर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक है तो कैसे करना है, इस बॉक्स में इस ट्रायंगल में क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, जो ऊपर है उसके कॉलम में, जो ऊपर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। 6 × 5 = 30, ठीक है। अब 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 18, ठीक है। अब इन लाइंस में से प्लस कर देंगे, देखिए कैसे प्लस होना है। यहाँ पे 0 है तो 0 ही आ जाएगा, कुछ प्लस नहीं करना। अब इस लाइन को प्लस करना है, 0 3 और 2 को प्लस करेंगे कितना आया, 5। अब इस लाइन को प्लस करना है, काफ़ी डिजिट्स हैं इसमें, ध्यान से प्लस करना है आपको। 5 में 2 प्लस किया, 2 प्लस किया 5 में, 5 6 7 7 आ गया। अब 7 में हम 8 प्लस करेंगे, 7 में 8 प्लस करेंगे तो 7 को हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे। 7 को फिंगर्स पे काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आया। 8 को प्लस करना है 7 में, तो 8 के बाद से गिनती गिनेंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 15 आ गया। देन 1 प्लस किया 15 में, 16 हो गया। अब 16 में बेटा 8 प्लस करना है, तो फिर देखिए आपका 8 कहाँ पे आता है, फिंगर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आता है। तो 16 के आगे से गिनती गिनेंगे, 16 में हमें 8 प्लस करना है, हमने 8 फिंगर्स पे काउंट कर लिया। और अब 16 के आगे से गिनती गिनेंगे, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 आ गया। 24 का बेटा 4 हम यहाँ लिख देंगे और 2 कैरी जाएगा, ठीक है। अब 2 यहाँ पे प्लस होगा, 2 + 2 = 4 4 और 1 = 5, 5 में 2 प्लस किया, 5 में 2 प्लस करना है, 6 7 7 आ गया। अब इस लाइन को प्लस करना है, 0 में 3 प्लस किया, 3 में 1 प्लस किया, 4, यहाँ पे 0 है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 47,450, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब इसको करेंगे,
टू को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, तो एक ट्राइंगल में हम 1 लिख देंगे, एक में 6, 2 6 12, 2 5 10, अब 5 को टेबल पढ़ेंगे, 5 8 40, 5 6 30, 5 5 20, 5 5 25, नाउ 4 8 32, 4 6 24, 4 5 20. अब हम इनको ऐड करके लिख देंगे, 2 आया यहाँ पे, फिर 4 और 3 को प्लस किया 7 आ गया, 6 और 4 को प्लस किया बेटा 10 आया, 10 में 2 प्लस किया 12 का हम 2 यहाँ लिख देंगे और 1 हमारा कैरी जाएगा। अब 2 में 1 प्लस किया 3 एंड 3 एंड 3 6, 6 में 5 प्लस किया बेटा 11 होगा, 11 में 2 प्लस किया 13, 13 में 1 प्लस किया 14, 14 का 1 कैरी जाएगा, 1 और 2 3 3 और 1 4, ठीक है, और 1 ये लास्ट में है, ये 1 लास्ट में आ जाएगा, तो आर आंसर इज 1,44,272, ठीक है। अभी फिलिंदा ब्लैंक्स है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6,385 को कि 0 आ जाए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, आर आंसर इज 98,473। अब सेम आंसर कैसे आएगा, 62,354 का आंसर सेम कैसे आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके। अब बेटा चाहे इज इक्वल टू के इस साइड ब्लैंक को, चाहे इज इक्वल टू के इस साइड ब्लैंक को, आपको जिस साइड ब्लैंक है उस साइड ये तीनों डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट्स तो हैं, ये वाले डिजिट मिसिंग है, ये वाला नंबर मिसिंग है यहाँ पे। वी राइट 1,16,384, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई में स्टिल यू आर डूइंग मिस्टेक्स, तो ध्यान से देखिएगा, 9 7 63, हम 6 कैरी देंगे, 3 आ गया, 9 4 36, 36 में 6 प्लस किया 42, 4 कैरी जाएगा बेटा और 2 नीचे आएगा, 9 8 72, 72 में 4 प्लस किया 72 73 74 75 76, यहाँ पे आता है 4, 76 हो गए। फिर अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक क्रॉस आएगा, अब 5 से करेंगे, 5 को पहले 7 से करेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 5 4 20, 20 में बेटा 3 प्लस किया 23, 2 कैरी गया, 3 लिख दिया नीचे, आप चाहें तो बेटा कैरी लिख सकते हैं। अब 5 8 40, 40 में 2 प्लस किया 42, नाउ अब ऐड करेंगे 5 और 2 5 6 7, 7 हो गया, 6 में 3 प्लस करेंगे, 3 यहाँ पे आता है, 1 2 3, 6 के बाद से गिनती गिनेंगे, 6 के बाद 7 8 9, 9 आ जाएगा, कुछ भी कैरी नहीं किया, अब 7 में 2 प्लस करना है, 7 8 9, ठीक है, अब 4 आ गया, दिस इज योर आंसर, योर आंसर इज 49,973, ओके, 7 9 63, आप चाहें तो कैरी लिख सकते हैं, फिर इरेज कर दीजिएगा उसको, मैं कैरी लिख के आपको बताती हूँ, 7 9 63, 7 7 49, 49 में बेटा 6 प्लस करेंगे, 49 में 6 प्लस किया, 6 कहाँ पे आता है फिंगर पे, 1 2 3 4 5 6, 49 के बाद से गिनती गिनेंगे, 49 के बाद 50 51 52 53 54 55, ठीक है, 55 का अगेन 5 कैरी और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 9 6
नाइन सिक्स 42, 42 में 5 प्लस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आ रहा है 5, 42 के बाद से गिनती गिनेंगे बेटा, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है 47 लिख देंगे अब हम। अब क्रॉस लगेगा यहाँ पे, कैरी ऐड करना नहीं भूलना है और टेबल अच्छे से बाय हार्ट लाना नीचे आपको। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन कैरी को इरेज करके दूसरे कैरी लिख सकते हैं और इनके ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 6, 9 जा 5 कैरी गया 54, 6, 7 जा 42, 42 में बेटा 5 प्लस करना है, 42 में 5 प्लस किया कितना आया 1, 2, 3, 4, 5, 42 में प्लस करना है तो 42 के बाद से गिनती गिनेंगे, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 47 आया, 4 कैरी, पहले कैरी लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे, 47 आया तो 4 कैरी पहले लिखना है, 7 बाद में लिखना है, नहीं तो आप गलत कर देते हो, 7 आएगा नीचे, ठीक है। अब 6, 6 जा 36, 36 में बेटा 4 प्लस किया, 36 में 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ आ रहा है 4, 36 के बाद से गिनती गिनेंगे, 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 40 आ गया। अब डबल क्रॉस आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 9 जा 36, 4, 7 जा 63, 63 में 3 प्लस करना है, 63 में हमें 28 में 3 प्लस करेंगे, 28 में 3 प्लस करा 1, 2, 3, 3 आ रहा है, 28 के बाद से गिनती गिनेंगे, 28 के बाद 29, 30, 31 तो 3 कैरी देंगे और 1 नीचे, 4, 6 जा 24, 24 में बेटा 3 प्लस करना है, 24 में 3 प्लस क्या 3 आ रहा है आपके यहाँ पे, 24 के बाद से गिनती गिनेंगे, 24 के बाद 25, 26, 27, ठीक है 27 हो गया। ऐड करेंगे अब 3 आया, 5 में 4 प्लस किया 9 आया, 7 और 7 14, 14 में बेटा 6 प्लस करेंगे 20, देन 2 कैरी, 4 में 2 प्लस किया 6 और 1 प्लस किया 7, 7 और 4 11, 1 कैरी, 2 और कैरी का 1 3, और आंसर इज 3,17,093, ठीक है स्टूडेंट्स। कोशिश कीजिए बिना कैरी लिखे करने की, और लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट सम करते हैं, 4, 8 जा 32, 4, 7 जा 28, बेटा 28 में 3 प्लस किया 28, 31, 3 कैरी गया अब, 4, 5 जो 20, 20 में 3 प्लस किया 23, ठीक है 3, 8 जो 24, पहले क्रॉस लगाएंगे फिर 3, 8 जो 24, 2 कैरी गया बेटा और 4 लिखेंगे हम, ठीक है 3, 7 जो 21, 21 में बेटा 2 प्लस किया 23, अगेन 2 कैरी गया, 3, 5 जो 15, 15 में बेटा 2 प्लस किया 16, 17, ठीक है 17 आ गया। अब डबल क्रॉस आएगा, 6, 8 जा 48, 6, 7 जा 42, 42 में बेटा 4 प्लस किया 46, ठीक है 6, 8 जा 48, 4 कैरी गया है, 6, 7 जा 42, 42 में 4 प्लस किया 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ रहा है, 42 में 4 प्लस किया, 42 के बाद से गिनती गिनेंगे, 43, 44, 45, 46 आया, देन 4 कैरी गया 6 नीचे। अब 6, 5 जो 30, 30 में बेटा 4 प्लस किया 34, ठीक है प्लस करा 2, 4 में 1 प्लस किया 5, 8 में 3 प्लस किया 11, 11 में 3 प्लस किया 14, 14 में 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 में बेटा 6 प्लस किया 16,
प्लस के 6 आया 3. योर आंसर इज 366,452. स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 13 के क्वेश्चंस है. इसमें हाउ मैनी, आपको बताने कि कितनी सिमेट्री लाइन ड्रॉ हो सकती हैं. आपको पिक्चर भी बना रखी है और नाम भी लिखा हुआ है. पिक्चर भी बनाई है और नाम भी लिखा है, ठीक है. हाउ मैनी सिमेट्री लाइन वी कैन ड्रॉ इन द फॉलोइंग फिगर्स. स्क्वायर, स्क्वायर में बेटा कितनी, स्क्वायर में फोर इक्वल साइड्स होती हैं. फोर इक्वल साइड्स हैं तो फोर सिमेट्री लाइन ड्रॉ होंगी. ऐसे पेंटागन में, पेंटागन में फाइव इक्वल लाइंस होती हैं, तो इसमें फाइव सिमेट्री लाइन ड्रॉ होंगी. आपको चाहे पेंटागन की पिक्चर बनी हो, चाहे पेंटागन रिटर्न में लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि पेंटागन में फाइव सिमेट्री लाइन होती है. ऐसे हेक्सागन है, हेक्सागन में सिक्स इक्वल साइड्स होती हैं. चाहे पिक्चर बनी हो, चाहे आपको हेक्सागन लिखा हो, आपको पता होना चाहिए हेक्सागन में आपकी सिक्स सिमेट्री लाइन होती है. स्क्वायर में फोर साइड्स होती हैं, पेंटागन की फाइव साइड्स होती हैं, हेक्सागन में आपके सिक्स साइड्स होती हैं, ठीक है. अब ये पिक्चर्स बनी है. इन पिक्चर्स में बी को आप देखिए कितने हाफ पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं. एस इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बस ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, ऐसे भी नहीं, कैसे भी नहीं. तो बी की कितनी होगी सिमेट्री लाइन, वन, ठीक है. ऐसे एच में, एच में हम देखिए बेटा ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिमेट्री, और हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो एच हैज टू सिमेट्री लाइंस, ठीक है. नेक्स्ट है आपका बेटा ये पैटर्न, इसमें कैसे करना है. आप देखिए ये आगे बढ़ रहा है, टू इंक्रीज हो रहा है, आगे थ्री बन गया. कैसे देखेंगे अब, टू में सॉरी टू को माइनस करेंगे थ्री में से, थ्री में से टू माइनस किया कितना है वन, इसका मतलब टू में हमने वन प्लस किया है, ठीक है. अब फाइव में से थ्री माइनस करेंगे कितना आया टू, तो इसका मतलब हमने थ्री में टू प्लस किया तब नेक्स्ट नंबर आया है. अब फाइव को एट में से माइनस करेंगे कितना आया, एट में से फाइव माइनस करेंगे, फाइव के बाद से गिनती करो, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, कितना आ गया थ्री, तो इसका मतलब फाइव में हमने थ्री प्लस किया है. तो आप देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, वन प्लस किया फिर टू प्लस किया फिर थ्री प्लस किया, ठीक है ना. अब ऐसे ही एट को माइनस करेंगे ट्वेल्व में से, तो एट के बाद से गिनती करो, एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व में से बेटा हमें एट हटाना है ना, तो एट हटाना है तो एट को नहीं गिनेंगे हम, एट के बाद से गिनेंगे. तो कितना आ गया फोर, तो इसका मतलब एट में हमने फोर प्लस किया तो ट्वेल्व आया है. तो देखो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे क्या होगा प्लस, फाइव प्लस होगा, ठीक है. तो ट्वेल्व में फाइव प्लस किया सेवनटीन आ गया, ठीक है. अब इसमें तो बेटा देख के पता चल रहा है कि फाइव फाइव प्लस हो रहा है, टेन में फाइव प्लस किया फिफ्टीन, फिफ्टीन में फाइव प्लस किया ट्वेंटी, ट्वेंटी में फाइव प्लस किया ट्वेंटी फाइव, ठीक है. हर बार फाइव ही प्लस हो रहा है, यहाँ भी फाइव प्लस हुआ, फिफ्टीन में से टेन माइनस कर रहे हैं फाइव आ रहा है, ट्वेंटी में से फिफ्टीन को माइनस कर रहे हैं तब भी फाइव आ रहा है. कैसे माइनस करेंगे ट्वेंटी में से फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद से गिनती गिन लो ट्वेंटी तक, ठीक है. कोई ऊपर नीचे रखने की जरूरत नहीं है, ट्वेंटी फिफ्टीन के बाद से गिनती गिन लो ट्वेंटी तक, ट्वेंटी में से फिफ्टीन हटाना है तो फिफ्टीन को मत गिनो, उसके बाद से गिनो, फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, फाइव आ गया वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ भी फाइव ही है. ट्वेंटी में फाइव प्लस करते हैं तो ट्वेंटी फाइव आता है, तो अब इसमें भी फाइव ही प्लस करेंगे तो कितना आ गया थर्टी, ठीक है. ऐसे अब देखिए ट्वेंटी में फाइव प्लस कर रहे हैं तब ट्वेंटी फाइव आ रहे हैं, तो मीन्स इसमें फाइव प्लस हो रहा है. अब ये तो कम हो गया आगे, यहाँ तो ट्वेंटी से बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था ट्वेंटी फाइव आया, अब ये डिक्रीज हो गया तो मीन्स माइनस हुआ है आपकी बार. तो आप 23 को माइनस करके देखो 25 में से कितना आ रहा है, 23 के बाद से गिनती गिन लो, ऊपर नीचे रखने की जरूरत नहीं है, 23 के बाद से गिनती गिनो, 23 के बाद 24 25 टू आया, ये कम हो रहा है आगे, तो क्या हो रहा है इसमें से माइनस हो रहा है. ये बढ़ा था इंक्रीज हुआ था ये तो प्लस 5 हुआ था, ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है. तो एक बार तो प्लस 5 हुआ है, एक बार माइनस सॉरी माइनस 2 हुआ है. ठीक है, अब देखते हैं, अब ये फिर से इंक्रीज हुआ है तो फिर क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा. 28 में से 23 माइनस करो, 23 के बाद से गिनती करो, 23 के बाद 24 25 26 27 28,
कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, तो अब क्या आएगा देखो, प्लस 5 फिर माइनस 2, तो प्लस 5 फिर क्या होगा, माइनस 2, 28 में से 2 माइनस किया कितना आएगा 26, ठीक है। इसमें ही ऐसे माइनस करके रहेंगे, इसमें माइनस 5 किया तो 120 में से माइनस 5 किया तो 115 आ गया, 115 में से फिर आगे डिक्रीज हुआ है तो माइनस 3 करा तो 112 आ गया, और 112 में से माइनस 5 करेंगे तो 107 आ जाएगा, तो अब माइनस 5 हुआ, माइनस 3 हुआ, माइनस 5 तो अब क्या होगा, माइनस 3, 107 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 104, ठीक है। ये पैटर्न तो कंप्लीट, बहुत इजी है ये। इसमें क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन आएगा, 5 और 2 को प्लस किया 7 आ गया, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, और फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, ठीक है। ऐसे अब 4 और 3 को प्लस करा 7 आ गया, तो यहाँ पे भी ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का ऐड होगा, 7 में 5 प्लस किया 12 आ गया। ऐसे 6 और 3 को प्लस किया 9 आ गया, 9 और 7 को प्लस किया 16 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।